आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आए जो बहुत ही खौफनाक कहानी है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को एक मिनट भी देखा तो आप पूरा वीडियो देखने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दरअसल आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है आज से ठीक ठीक 21 साल पहले की घटी हुई कहानी, जिसमें एक लड़की अपने पूरे परिवार को जान से मार देती है और वजह नफरत, लालच, इश्क, मोहब्बत। आज हम आपको सुनाएंगे उस लड़की की कहानी जिसने एक झटके में अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। आज से 21 साल पहले अंबाला के प्रभुवाला गांव में एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसमें एक बेटी ने अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया। माँ बाप, भाई भतीजा, भाभी, यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अपने शातिर पति के साथ मिलकर पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है मोहब्बत, इश्क, लालच और सब कुछ पा लेने की चाहत की कहानी। ये कहानी किसी छोटे मोटे परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि एक विधायक रेलू राम पुनिया के पूरे परिवार के कत्ल की कहानी है, जिन्हें पूरे परिवार के साथ उनकी अपनी सगी बेटी और दामाद ने मिलकर मार डाला। आज हम आपको उस लड़की के लालच की वजह से जन्मे रिश्तों के कत्ल की खौफनाक कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो तारीख थी 23 अगस्त 2001। अंबाला के प्रभुवाला गांव में पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया और उनके परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में रेलू राम पुनिया के अलावा उनकी पत्नी कृष्णा, बेटे सुनील, बहू शकुंतला, बेटी प्रियंका, 4 साल का पोता लोकेश, 2.5 साल की पोती शिवानी और 1.5 महीने की बच्ची प्रीति शामिल थी। विधायक रेलू राम पुनिया पहले काले तेल का धंधा किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और विधायक बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए और इसके बाद पूरे इलाके में रईसों की लिस्ट में उनका नाम टॉप। रेलू राम पुनिया के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा के हिसार में रेलू राम पुनिया का एक घर ऐसा था जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस घर की खासियत ये थी कि इस घर में रेलू राम पुनिया ने इसे इस तरह से बनवाया था कि उनके बेडरूम तक आसानी से कार लेकर आप जा सकते थे और उस जमाने में ऐसा घर किसी के पास होना सपने के बराबर था। रेलू राम पुनिया की 2 बेटियां थी, एक बेटा था, एक का नाम सोनिया, दूसरी का नाम प्रियंका और बेटे का नाम सुनील था। पुनिया की बड़ी बेटी सोनिया दिल्ली में रहा करती थी, एक खिलाड़ी थी और उसका पति भी एक खिलाड़ी था और इसी खेल खेल में गुनाह की पहली सीढ़ी दोनों चढ़ते हैं और उनमें होता है इश्क। इश्क की वो कहानी जो हर कहानी में होता है, जो आप हर कहानी में सुनते आए हैं, जो एक आम कहानी में होता है। लड़की के घर वाले इस बात से इनकार करते हैं और इस बात से तो कतई नहीं चाहते कि इतने मध्यम वर्गीय लड़के से उनकी बेटी शादी करे। कहां वो करोड़पति, कहां है गरीब आदमी। लेकिन कहा जाता है कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है और यहां भी यही होता है। रेलू राम पुनिया का पूरा परिवार इस शादी को मान लेता है, इस शादी को मान लेता है, लेकिन एक नफरत जो सोनिया के मन में बैठ चुका था ये कि उनके पति को उनके परिवार से कोई मानता नहीं है, कोई उनकी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, मध्यम वर्ग के परिवार से है और इसी वजह से रेलू राम पुनिया की बेटी सोनिया के मन में धीरे धीरे जहर भरता है और वो इतना बढ़ जाता है, एक ऐसी योजना बनाती है जिससे पूरा परिवार 2 घंटे में मौत की आगोश में चला जाता है। अपने घर वालों से इतनी नफरत करती है कि उन्हें वो देखना तक नहीं चाहती और बनाती है एक खौफनाक प्लान 24 अगस्त 2001 को अपने पूरे परिवार को अपने पति के साथ मिलकर मौत की नींद सुला देने की। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि प्लान के मुताबिक निर्धारित तारीख को इस घटना को अंजाम ना देकर एक दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल 24 अगस्त 2001 उसकी बड़ी बहन प्रियंका का जन्मदिन होता है। सोनिया कहती है कि हमें जन्मदिन 23 को ही मनाना चाहिए, हम 23 तारीख को जन्मदिन मना लेंगे और अपने परिवार के साथ 24 को बाहर वालों के साथ धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा। घर वाले मान जाते हैं और फिर 23 अगस्त को घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जिसमें म्यूजिक काफी लाउडली बजता है। आसपास के लोग, घर के नौकर ये सोचते हैं कि भाई रईसों की पार्टी है, ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि उस पार्टी में आज कुछ अलग होने वाला है। रात के 11 बज चुके थे, सब लोग खाना पीना खाकर लगभग सोने की तैयारी कर रहे थे और इतने में सोनिया कहती है कि मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूं। चाय बनाने के लिए जाती है और चाय बनाने के लिए जब वो जाती है तो चाय में बेहोशी की दवा
डाल देती है, मिलाकर पूरे परिवार को पिला देती है। पूरे परिवार को तो पिलाती है, डेढ़ महीने के बच्चे, ढाई साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ती है, सबको पिला देती है। लेकिन उसका एक लड़का भी है जो ढाई साल का है, वो उसे लेकर वहां नहीं आई थी उस रात। हो सकता है कि अगर उसको लेकर आती तो अपने बच्चे को भी मारती। दवा पिलाने के बाद लगभग सब बेहोश हो जाते हैं और ये दोनों ही खतरनाक क्रिमिनल इंतजार करते हैं कि सब लोग सो जाएं, और जब सब सो जाते हैं तो सबका नब्ज दोनों आरोपी टटोलते हैं कि कहीं कोई जग तो नहीं रहा है। और जब यकीन हो जाता है कि सब लोग सो गए तो सोनिया का पति संजीव कहता है, पिस्तौल में तो गोलियां थे हैं और ये लोग आठ, बाकी को कैसे मारा जाएगा। और उसके बाद ये निर्दयी सोनिया घर के बाहर से एक रॉड लेकर आती है और कहती है बाकियों को इससे मार दिया जाएगा। उसके बाद ये होता है कि सबसे पहले किसको मारा जाए। सोनिया का पति संजीव कहता है कि पहले तुम्हारे भाई यानी कि सुनील को मारते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है सुनील तो हट्टा कट्टा है, अगर मान लो कुछ दिक्कत हो गई, नहीं मार पाए तो प्लान तो फेल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मारने का प्लान बनाती है अपने पिता रेलू राम पुनिया को, जो विधायक थे। रेलू राम पुनिया अपने कमरे में सो रहे होते हैं। सोनिया इस दौरान रेलू राम पुनिया के सर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और संजीव उनके पैर के पास। एक बात हम और आपको बता दें, ये वही रेलू राम पुनिया की बड़ी बेटी है। इसी रेलू राम पुनिया ने उसे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इस काबिल बनाया। लेकिन आज वही बेटी उनका कत्ल करने जा रही है। उसके हाथ नहीं कांप रहे, इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। अपने पति से बोलती है इसे मारो, लेकिन उसका पति कोई पेशेवर हत्यारा तो होता नहीं है, खिलाड़ी होता है। उसकी आत्मा कांपने लगती है और वो इस सब कुछ करने से मना कर देता है। तो फिर सोनिया उस वक्त कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम एक नंबर के निठल्ले आदमी हो, तुम सब कुछ मुझसे ही करवाओगे, मुझे ही करना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। इतना सुनते सुनते संजीव गुस्से से पागल हो जाता है और रॉड उठाता है और अपना आपा खोकर रॉड लेकर रेलू राम पुनिया के सर पे मार देता है, पांच छह बार करता है। रेलू राम पुनिया बेड से नीचे गिर जाते हैं। और सोचिए उस दौरान सोनिया अपने पति को क्या कहती है, बधाई हो, तुमने सही काम किया, तुम्हें सफलता मिल गई, ऐसी बेटी इस दुनिया में किसी ने नहीं देखी होगी। उसके बाद माँ को मारती है, भाभी को मारती है और एक एक करके सबको मार देती है। डेढ़ महीने के बच्चे तक को नहीं छोड़ती है, उन लोगों को भी मौत के घाट उतार देती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों वहीं पर 10 मिनट तक बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई जिंदा बच गया हो। और प्लान बनाया जाता है कि पुलिस से कैसे बचेंगे अब। और अब अपने पति से कहती है कि तुम मेरे सर पे भी रॉड मारो। मारता है, बेहोश हो जाती है। संजीव उसी रात दिल्ली के लिए निकल जाता है और अगले दिन जब इस घटना का खुलासा होता है, नौकर जाकर काम वाली लोग आती हैं तो देखती हैं, पुलिस को फोन करती हैं, पुलिस आती है, सबको एक एक करके एम्बुलेंस में डाला जाता है। लेकिन इसी दौरान जब सोनिया को एम्बुलेंस में डाल रहा होता है, तो पुलिस वाले डाल रहे होते हैं, तो मालूम चलता है कि इसकी तो नब्ज चल रही है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पुलिस भी सोचती है चलो एक तो बचा, अब इससे हम पूछेंगे क्या हुआ था। इधर फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करती है, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। मामला काफी हाई प्रोफाइल होता है, विधायक थे, विधायक का परिवार था, पुलिस वालों पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, इस केस को क्रैक करना था। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का जायजा कर रही होती है और उस दौरान फॉरेंसिक टीम को एक डायरी मिलती है। नौकरों से जब पूछताछ पुलिस करती है कि डायरी किसकी है, तो मालूम चलता है कि डायरी तो सोनिया मेमसाहब की है। और पुलिस सोनिया से कड़ाई से पूछताछ करती है। डायरी देखते ही सोनिया का पैर से जमीन खिसक गया। इधर दिल्ली में एक टीम सोनिया के पति संजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और वो सब कुछ बक देता है। फिर इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्यों बातें निकलकर सामने आती हैं। वो बातें होती हैं जब पुलिस पूछताछ में सोनिया कहती है कि किस तरह से उसने संजीव से शादी की। संजीव एक गरीब परिवार से था, खिलाड़ी था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि संजीव से तुम शादी करो, नफरत करते थे। एक बार उसके पति संजीव ने बिजनेस करने के लिए उनके पिता रेलू राम पुनिया से कुछ पैसे मांगे। रेलू राम पुनिया ने कहा कि ठीक है 50 एकड़ जमीन बेच के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन सोनिया का भाई मना कर देता है कि जमीन बेचकर पैसा हम नहीं देंगे, तुम्हें थोड़े बहुत 10-20 लाख चाहिए तो ले लो। इस बात से सोनिया इतनी नाराज होती है कि वो उसी समय कसम खाती है कि पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर दूंगी, मार डालूंगी। और ये भी बताती है कि अगर उसका पति साथ नहीं देगा ना तो अकेले ही सबको मार डालेगी। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत केस फाइल होता है और 31 मई 2004 को सेशन जज की अदालत ने मृतक की बेटी सोनिया और दामाद संजीव को फांसी की सजा सुनाई।
2 अप्रैल 2005 को हाईकोर्ट ने सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज की सजा बरकरार रखने का फैसला किया, मतलब फांसी। 23 अगस्त 2007 को समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। सेशन जज ने 26 नवंबर को 2007 को फांसी देने की तारीख मुकर्रर की। सोनिया और संजीव ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई, माफी की याचिका। इस मामले में 3 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ऐसी याचिका खारिज कर दी। इस मामले में मृतक विधायक रेलूराम पोनिया के जो भाई थे, वो पूरे परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़े। लेकिन अफसोस, 2017 मई में हिसार टोहना रोड पर उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आया, क्योंकि परिवार का हत्यारा मृतक का दामाद संजीव जेल से फरार हो चुका है। वो पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन 14 दिन के समय सीमा खत्म होने के बाद भी वो जब जेल नहीं आया तो मालूम चला कि वो फरार हो चुका है। उसने पुलिस को चकमा दे दिया और उसकी बीबी, उसकी पत्नी, वो हत्यारण, वो डायन अभी भी जेल में बंद है, सजा काट रही है। जरा सोचिए, जब किसी के घर में बेटा होता है या बेटी होती है, लोग कितने खुश होते हैं कि बड़ा होकर यही बच्चे, यही बेटी, यही बेटा एक दिन बड़ा होकर नाम रोशन करेंगे, उनकी तकलीफें दूर करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। लेकिन किसे पता कि जिसे वो सोच रहे हैं कि सहारा देंगे, वो बच्चे जब सोनिया जैसे हत्यारण निकल जाते हैं, तो सोचिए उस परिवार पे क्या बीतता होगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर फॉरेंसिक टीम को वो डायरी नहीं मिली होगी तो क्या होता। तो आज तक इस हत्या का खुलासा ही नहीं हो पाता। और यही हत्यारण, यही हत्यारा संजीव, ये दोनों ऐश की जिंदगी गुजार रहे होते, क्योंकि उसके बाद इस पूरे परिवार की प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने वाला कोई और नहीं, यही दोनों। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई ना कोई गलती अपराधी तो जरूर करता है, और ये गलती सोनिया ने की। सोनिया ने वो डायरी वहां पर छोड़कर कोई बड़ी गलती नहीं की, ना तो उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था कि वो कत्ल करने जा रहे हैं। तो सोचिए, फिर भी पुलिस कैसे ही पकड़ ली कि इस डायरी में वो चीज है जो सोनिया अपने परिवार की हत्या कर सकती है। दरअसल उस डायरी में ये लिखा था कि मैं अपने परिवार से नफरत करती हूं और एक दिन मैं अपने पूरे परिवार को जान से मार दूं, बस यही 4 लाइन लिखा था। ये नहीं लिखा था कि मैं मार ही चुकी हूं। लेकिन जब पुलिस इस डायरी को देखती है, हैंडराइटिंग मैच करती है, तो सोनिया सब कुछ किसी रट्टू तोते की तरह बक देती है और एक भयानक हत्याकांड का खुलासा होता है। जरा सोचिए, अगर रेलूराम पुनिया ने अपने दामाद को 50 एकड़ जमीन बेचकर पैसे दे दिए हो, तो क्या इस इतनी बड़ी हत्याकांड, इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था? नहीं, क्योंकि अपराधी की जो मानसिकता होती है, जो उनकी चाहत होती है, जो उनके लालच होता है उनका, वो और बढ़ता जाता है। अगर रेलूराम पुनिया ने 50 एकड़ जमीन बेचकर संजीव और सोनिया को पैसे दे दिए होते, तो 50 एकड़ जमीन जब तक उसका पैसा चलता तब तक चलता, उसे खत्म होने के बाद ये लोग फिर से पैसा मांगते। और सुनील ने उस समय बहुत सही किया था ये कहकर कि हम जमीन नहीं बेचेंगे, हमारे पुरखों की जमीन है, बहुत मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने जमीन को खड़ा किया है, कुछ पैसे ले लो। पैसे देने के लिए उसका भाई तैयार था, लेकिन इन हत्यारों को पैसे नहीं चाहिए, इन हत्यारों को तो पूरी की पूरी संपत्ति, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। ये कहानी एक ऐसी भयावह कहानी है जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर, जिसे देखकर अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर, अपने सगे संबंधियों पर कैसे भरोसा कर सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा संभव है? जब ऐसी ऐसी कहानियां सामने आएंगी तो क्या ऐसा संभव है कि कोई अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर भरोसा करेगा? इस कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग सतर्क रहें, हर किसी से सतर्क रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पे आप शक करें, लेकिन अपने आंख, अपने कान, अपने नाक, सब कुछ, आंख, कान, नाक, सब कुछ खुले रखें और समय समय पर हर किसी की इंफॉर्मेशन लेते रहें, अपने घरों में, अपने परिवार के लोगों की, ताकि आपको मालूम चले कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे सगे संबंधी जो हमसे रोजाना टच में हैं, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अब आप सोचिए, इस पूरे प्रकरण में जिन लोगों की जान गई, जो संजीव नामक आरोपी है, उस मृतक परिवार का दामाद, उसकी मां का क्या कसूर था? लेकिन जब से यह घटना हुई ना,
उसकी मां आज तक नहीं मिली। बंजारों की जिंदगी गुजार रही है जहां वो रहती थी ना, आज तक उस जगह पर उन्हें कभी देखा नहीं गया। कहा जाता है कि जब से ये घटना हुई तब से उनके उस घर पे ताला पड़ा है। सोचिए कहां गई होंगी उनकी मां, उस संजीव हत्यारे की मां कहां चली गई होंगी। पुलिस का डर, अगर ये सब कुछ संजीव ने नहीं किया होता तो सब लोग अच्छी जिंदगी बिता रहे होते। कुछ ऐसी ही कहानी हम सुने थे शबनम, उत्तर प्रदेश की जो शबनम थी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, कुछ ऐसी कहानी शबनम की भी थी। लेकिन इस कहानी में और इस कहानी में थोड़ा सा अंतर है, शबनम अपने आशिक के लिए सब कुछ करती है और सोनिया अपने पति के लिए। खैर, इस कहानी पर आप क्या राय रखते हैं?